पेरेंट्स, गुड इवनिंग, अ बिग वेलकम टू एवरीवन, बिकॉज आज का शो पावर हाउस शो है. इट इज गोइंग टू बी इन हिंदी, इट इज गोइंग टू बी इन आई डोंट नो विच लैंग्वेज, इंग्लिश. आई हैव विथ मी सम वेरी स्पेशल लिटिल एंजल्स विथ मी. सो आई हैव चिराग जैन, हु इज एक्स स्टूडेंट ऑफ स्मार्ट नेटिव्स. आई हैव शौर्य जैन, the little Shaurya who was in Smart Natives. I have Kritika and Hrithvi Bang, who were so small when they came Smart Natives, and now you all are so, I see, beautiful and real handsome young adults. And I have with me Priyam, who is one of the favorite students of mine, who has been in coaching also with me. So Priyam, I really appreciate you from the bottom of my heart, that you are so inquisitive learner. That is what I want to appreciate about you. And with the little divine angels, I have a guardian force, a powerhouse, Sumit Arora, joining me from Pune, Novo Leaders, who is a guiding star for all of us, because he's into career analysis and he's my team in Smart Natives in doing not many good activities with students. So everyone, we will do a small activity before we start. Everybody has to tell me that what is the color you can see now. आपको कौन सा कलर दिख रहा है? सब अनम्यूट करके मुझे बता दो. मैम, व्हाइट. ओके, सो अगर मैं बोलूं ब्लैक है, रेड है, आप मान जाओगे क्या? नो मैम. No, ma'am. अभी भी बोलो कौन सा कलर है ये? व्हाइट है क्या? व्हाइट व्हाइट. ओके मैम, अगेन नाहिद मैम कह रही है कि ये ब्लैक है, रेड है, मान जाओगे? नो मैम. यू कैन से नो, यू नहीं मानोगे? नो. यस. नो मैम. कौन यस बोल रहा है? no. सब सब नो है. वेरी गुड. Who was right? This is a painting made by my daughter Zaira. She is in 10th standard. कौन सही था? ये बताओ. चिराग, मैं सही थी कि तुम सही थे? बोलो. शौर्य, तुम बोलो. देखने का नजरिया लगता. अरे perfect. 9th class student. You are really saying the powerful preachings of Bhagavad Gita. Really, thank you. तो देखने का नजरिया, ये जैसे मैंने चश्मा लगाया है, सबका चश्मा अलग है. तो आपके पेरेंट्स अगर आपको कुछ बोलते हैं या कोई भी बोलता है, टीचर बोलता है, तो वो अपने नजरिए से बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है. तो इससे हमने ये देखा आज के सेशन के लिए कि देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. राइट और रॉन्ग कुछ होता ही नहीं है लाइफ में. व्हाट वी डू इज राइट फॉर अस, व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग इज राइट फॉर देम. इट इज द मीनिंग व्हिच वी गिव. तो आज के शो में The purpose of this exercise was, आप कुछ भी बोलोगे करोगे, इट इज राइट. राइट, तो प्लीज गो अहेड पार्टिसिपेटिंग एट योर बेस्ट. तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपके फ्रेंड्स के लिए आपको जवाब देना है. सब अभी आप 9th में हो. शौर्य, यू आर इन विच ग्रेड? शौर्य मैम, आई एम इन 6th. ओके, यू आर इन 6th. ओ कृतिका, यू आर इन 9th. And Hrithvi is in which class? Fourth. Oh, youngest one. And Priyam, you are in which class? 11th? Yes, ma'am. 11th maths, right. Yeah. So, आपके friends को अगर हम पूछते हैं, मुन्ना क्या बनोगे, क्या करोगे, तूने क्या, दो डर लगते हैं, डर बहुत सारे होते हैं. आपके फ्रेंड्स को आप जानते हो तो उनको क्या डर लगता है, ये बताओ. जस्ट द वर्ड, आपके फ्रेंड्स के बारे में बताना है आपको. एंड सुमित सर, देन ओवर टू यू. द फियर विच दे आर सेइंग, लेट अस अटेंड दैट फियर. क्या डर लगता है, क्या क्या कंफ्यूजन है, सोचो. अगर मैं पूछूं बड़े होकर क्या करेंगे आपके फ्रेंड्स, तो उनको क्या लगता है, क्या बोलना चाहते हैं वो, क्या डर लगता है उनको, बोलते बोलते क्या डर लगता है, सोचते सोचते क्या डर लगता है?
डर नहीं लगता है, वेरी गुड। तो बताओ क्या होता है? यस प्रियम मैम, मैम इन दिस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फियर्स, जस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज लाइक इफ वी ऑप्ट फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड देन इफ वी वुड नॉट डू लाइक वेल इन दैट, सो व्हाट विल हैपन इन दैट ऑल। ओके, फियर ऑफ फेलियर आपने जो बताया, आपके फ्रेंड्स को फियर ऑफ फेलियर लगता है कि अगर हम हार गए, अगर हम फेल हो गए, अच्छा नहीं किया, देन व्हाट एल्स, और कौन सा फियर लगता है? They want good marks, but they don't want to study. Oh, perfect. Wonderful. See, you are getting... Stage fear. बहुत perfect answer दिया आपने, क्योंकि fear of judgment, कि लोग हमको जज करेंगे। शौर्य, आपको कुछ सोच में आ रहा है? क्या डर लगता है दोस्तों को आपके? आप सोचो और मुझे थोड़ी देर में आप, जब मैं आपके पास दोबारा आऊंगी तो आप मुझे बताना। सुमित सर, वाई इज दिस फियर और हाउ टू, व्हाट डू वी डू अबाउट दिस फियर? एक-एक फेयर की हम बात करते हैं। कृतिका ने शुरू किया बात करना कि करियर के अंदर अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैंने कुछ सिलेक्ट किया आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो क्या होगा, और ये बहुत जेन्युइन सा सवाल है। क्यों जेन्युइन सा सवाल है? क्योंकि आगे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और मैं कोशिश करूं एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की, साल भर, दो साल तक, और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिले तो, और अगर मिल गया और मैं पढ़ाई कंप्लीट करके पास नहीं हो पाया तो, या सीए की मैंने एंट्रेंस की तैयारी कर ली और कोशिश कर रहा हूँ एक साल दो साल तक मैं क्लियर करते करते सीपीटी क्लियर हो गया, अगला लेवल मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ये सवाल हमेशा बच्चों के दिल में या हर किसी के दिल में होता है कि आगे जाके अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या रीजन। अब एक छोटी सी बात कहते हैं, आपको कार चलाने में अगर आप सीखे तो सीख जाएंगे क्या कार चलाना है? इसके बारे में कोई शक है क्या? कोई दिल में ऐसा है क्या कि अगर आप सीखेंगे तो नहीं सीख पाओगे कार चलाना, ऐसा कोई शक है दिल नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बहुतों को हमारे आसपास में कार चलाते हुए देखा है, और ये भी देखा है, सीखते हुए भी देखा है, और हम जानते हैं कि वो कार कैसे सीख गए और कितने आसान से, और हम जैसे ही लोग हैं ये हमने देखा है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आपको ये डर आपका हटाना है कि आप अपने करियर में आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो है कि उस करियर में काम करने वाले किसी व्यक्ति से आपको मिलना है, बात करनी है, अपने पहचान वालों में से, अपने फ्रेंड सर्कल में से, अपने मम्मी पापा के फ्रेंड सर्कल में से उनको जाके मिलना है, उनसे सवाल पूछने हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे आपने सीखा, क्या पढ़ाई की, कौन से सब्जेक्ट में है। यानी आप अगर कल जाके सपोज कीजिए एमबीए करना चाहते हैं, तीन चार करियर के नाम ले रहा हूँ अलग अलग, तो एमबीए कॉलेज में पढ़ रहे किसी व्यक्ति को जाके मिलिए, उनकी किताबें देखिए, उनसे पूछिए कैसा है कॉलेज, क्या सीखते हैं, कितना कठिन है, कितना आसान है, कितने घंटे पढ़ते हो, कितना समय लगाते हो, एक बार में समझ में आता है, दो बार में समझ में आता है, ट्यूशन लगानी पड़ती है, इस सारे जितने दिल में सवाल पूछ कर। आईआईटी करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की करना चाहते हैं, तो आईआईटी में अभी पढ़ने वाले कुछ लोगों को ढूंढिए, उनको मिलिए। कहाँ से ढूंढोगे? सबसे बढ़िया हमारा नेटवर्क होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, अपने से सीनियर होते हैं कुछ लोग उनसे, या फिर अपने मम्मी पापा के फ्रेंड सर्कल के बच्चे होते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं आपको जानी है तो linkedin.com करके एक वेबसाइट है, लिंक्डइन ये सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक होता है वैसे लिंक्डइन होता है, वहां पे बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल्स है, वहां पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और जाके सर्च कीजिए आप जिसको मिलना चाहे। आप एस्ट्रोफिजिस्ट बनना चाहते हैं तो वहां पे जाके एस्ट्रोफिजिस्ट सर्च कीजिए और बहुत सारे एस्ट्रोफिजिस्ट मिलेंगे, उनको जाके कनेक्ट कीजिए, उनसे सवाल पूछिए एंड गेट दैट इंफॉर्मेशन। आगे जो जा चुका है उससे सवाल पूछने से ही आज का डर हमारा कम होता है, क्योंकि वो वहां पे है, डन दैट, बीन देयर, डन दैट, राइट। सो नाहिद मैम ने बहुत एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो अगर उनका एक्सपीरियंस से हम पूछें तो वी विल बी मोर कंफर्टेबल।
सो दैट्स आंसर टू रितिकास क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट. अब सेकंड बात करते हैं जो प्रियम ने कहा था कि बस मेहनत कम करना चाहते हैं, कमाई ज्यादा करना चाहते हैं, राइट, कम पढ़ाई करें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं. इस तरह का जो ये विचार है ये बहुत अच्छा विचार है, बुरा विचार नहीं है. क्यों बुरा विचार नहीं है? क्योंकि किसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इंडस्ट्रीज में यही कहा जाता है कि कम इनपुट दो और आउटपुट ज्यादा आए. हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि मैं कम पैसा लगाऊं और पैसा ज्यादा कमाऊं. और ये चीज बच्चों के लिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं. हमारे जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं तुम वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड. अरे भैया, स्टडी हार्ड की जगह स्टडी एफिशिएंट हो. एफिशिएंट हो यानी कुछ इस तरीके से पढ़ाई हो कि यार फटाफट दिमाग में आ जाए और फटाफट आंसर्स दे सकूं. जरूरी थोड़ी है 4 घंटा 8 घंटा बैठ के हम काम करें और तभी पढ़े. सो लर्निंग शुड बी एफिशिएंट, लर्निंग शुड बी एंजॉयबल, मजा आना चाहिए पढ़ाई करने में, राइट. और उसके अलावा लर्निंग शुड बी एनरिचिंग, कुछ नया आना चाहिए. जैसे आज आप लोग सब आए हैं लाइफ में, अगर कुछ नया नहीं सीख के गए तो क्या मतलब, बोर हो गया. मजा आया लेकिन कुछ नया नहीं सीखा, बट मजा भी आया और नया भी सीखा, दो चीज हुई. और तीसरी चीज फटाफट हुआ, ज्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब 2 घंटे नहीं बैठे थे, 15 मिनट बैठे थे और बाकी सब हो गया. नाउ दिस इज समथिंग, 3 E आपके लाइफ के होते हैं, एंजॉयबल, एनरिचिंग एंड एफिशिएंट. कौन से ऐसे करियर हैं जिसको कि आप आसानी से पहुंच सकते हो, जहां पे बहुत कंपटीशन नहीं है और उसमें हम पैसा कमा सकते हैं? तो ये विचार आपको करियर सिलेक्ट करते समय करना है. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या IIT इंजीनियर बनना चाहते हैं या CA बनना चाहते हैं, इन तीनों में बढ़िया कॉम्पिटिशन होता है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं और गिने चुने 500-400 लोग सिलेक्ट होते हैं. उस कंपटीशन में जाना है क्या, ये सवाल है. जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं है, बट जाना चाहते हो क्या? 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करना चाहते हो क्या? और वहां पे जितना कमाओगे या वहां पे जितना खुश रहोगे, उतना खुश और उतना कमाई किसी और करियर में पॉसिबल है क्या, ये विचार करना भी जरूरी. सो ये था प्रियम का सवाल का जवाब कि कितनी मेहनत और कितना आसान. कोई बुरी बात नहीं है अगर हम कम मेहनत पे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स आना चाहते हैं. दैट इज प्रोडक्टिविटी, बिलीव मी. और अब तीसरी बात करते हैं. तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है स्टेज फियर, यानी कि कॉन्फिडेंस की जो हम बात कर रहे थे, जो चिराग ने एक अच्छा सवाल बोला. तो स्टेज फियर और कॉन्फिडेंस, ये जो बात है, ये सारा आता है दो चीज से. एक आता है आपका अंदर कंटेंट क्या है, आप कितना जानते हो, और दूसरा आता है कम्युनिकेशन से, आप कितना अच्छा बोल पाते हो. जिस व्यक्ति का बोलने की शैली बहुत अच्छी है और अंदर कंटेंट नहीं है, वो सिर्फ हवा निकालता है, राइट, बार बार वैसी ही बात करता है और फिर थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि भैया अंदर कंटेंट नहीं है. पर जिस व्यक्ति में अंदर कंटेंट है पर बोल नहीं पाता है, वो भी एक पाप है. क्यों पाप है? कि आप में नॉलेज बहुत है लेकिन यार स्किल नहीं सीखा है, कौशल्य नहीं सीखा है. सो दोनों, एक में से, दो में से एक चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों से ही चाहिए. एक अंदर कंटेंट चाहिए, उसके लिए बहुत किताबें पढ़िए, यूट्यूब के अच्छे वीडियोस देखिए, लोगों से बात करते समय सुनिए, नोट्स बनाइए. कितने लोग आज पेन और कागज लेके बैठे? देखिए मैं पेन और कागज लेके बैठा हूँ फॉर द बेसिक रीजन कि मुझे कोई चीज नजर आई अच्छी तो मैंने नोट कर लेनी है, कहीं से भी सीखूंगा. बढ़िया चिराग. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डू, कि आप कंटेंट ग्रैब करते जाए और कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहे, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. आज की करियर के लिए 3 स्किल्स या 4 स्किल्स ही से शुरू होते हैं, उसमें से एक कम्युनिकेशन है, एक कंटेंट है, अगला क्रिटिकल थिंकिंग है, विचार करने की शैली कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, और आखिरी है कॉम्पैशन. कॉम्पैशन यानी कि आप लोगों के साथ जब बात करते हैं तो उनसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं या डरा धमका के बात करते हैं? यानी शौर्य बोल नहीं रहा था तो नाहिदा मैम ने किस तरह से, नाहिदा मैम ने प्यार से उसको पूछा कि मैं थोड़ी देर बाद तेरे पास आती हूँ, कोई बात नहीं, बाकियों ने बोला है, विल लिसन टू योर व्यूज लेटर, तो उसको कंफर्टेबल फील कराया, उसे कहते हैं कंपैशन. तो ये 4 C's भी हमारे लिए, हमारे करियर के लिए इम्पोर्टेंट. और आपकी जो अभी उम्र है 9th-8th standard की, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट डेवलपिंग दी स्किल्स, बेस्ट टाइम टू फाइंडिंग मोर करियर ऑप्शंस. एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को कितने करियर के नाम पता है, कितने प्रोफेशंस के नाम पता है अंदाजन? मैं नाम नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, सिर्फ नंबर बोल दीजिए कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ऐसे ऐसे से गिनते हुए कितने नाम पता है, कितने कितने करियर ऑप्शंस पता है? इनफाइनाइट. आपको कितने पता है दोस्त?
इतने हैं ये सवाल नहीं है, आपको कितने पता है ये सवाल है, गूगल को कितने पता है ये सवाल नहीं है, आपको कितने पता है ये सवाल है? अंदाजे से जी सॉरी एवरी आंसर इज राइट 10 to 20 यस प्रियम ने इनफिनाइट बोला है पर उसके दिमाग में होंगे कुछ 50, 100, 200 राइट प्रियम राइट अगर आप गिनना करेंगे तो अपने अराउंड 7-8 वंडरफुल वेरी गुड सॉरी वेरी गुड कृतिका चिराग प्रियम करियर्स पता है तो आप 20 में से चॉइस करोगे ना और अगर आपको 100-150 पता है तो उसमें से चॉइस करोगे इट इज लाइक अ मेनू कार्ड इन अ रेस्टोरेंट जिस रेस्टोरेंट में एक ही चीज मिलती है वहां पे जाओगे तो बोर हो जाएगा कुछ और ऑप्शन ही नहीं है बट जिस रेस्टोरेंट में बहुत सारे ऑप्शन है थोड़ा कंफ्यूज होगे लेकिन अपनी पसंद की चीज ढूंढ के निकालोगे और अच्छे से खाओगे कंफ्यूजन बढ़ेगा एग्रीड लेकिन आपके पास चॉइसेस होंगे तो विल मेक यू एबल टू मेक द राइट तो अभी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिस उम्र में आपको कि आपको कम से कम 300-400 अलग अलग करियर के बारे में जानना चाहिए अलग अलग कैटेगरीज के बारे में आप लोगों को एक ई बुक मैम भेजेंगे जिसमें एक पोस्टर होगा जिसमें अराउंड 400 प्लस करियर्स के बारे में नाम लिखे होंगे और उन नाम को गूगल करके आप सर्च कर सकते हो कि इस करियर में होता क्या है और ये क्यों करना है जरूरी इसलिए कि मुझे ये करियर पसंद है क्या वुड आई लाइक टू वर्क हियर चलो अगला सवाल पूछता हूँ आपके दिमाग में कुछ तो होगा मैं बड़ा होके क्या बनूं होगा ना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ बताओ जरा क्या बनना चाहते हो एक भी हियर एडवोकेट एनीबॉडी एल्स सॉरी आप म्यूट अनम्यूट प्रियम कृतिका एनीबॉडी व्हाट एवर यू वांट टू बिकम जो भी आपने सोच के रखा आईएएस सर फुटबॉलर फुटबॉलर वेरी नाइस कपिल देव ने तब से मुझे क्रिकेटर बनने का बहुत चाहता है साइंटिस्ट पायलट राइट सो वी ऑल हैव आवर ड्रीम्स कि मुझे ये बनना है अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि मुझे तीन कारण बताओ व्हाई डू यू वांट टू बिकम दैट चिराग यू हैव टू अनम्यूट एंड स्पीक As my role model, my mom and dad both are lawyer. Wonderful. So family में दोनों lawyer हैं पापा role model हैं तो उनके जैसा मुझे बनना है wonderful nothing wrong about it good Kritika Priyam pilot artificial intelligence really fascinates me so I want to do research in that wonderful so AI के अंदर मुझे research करना है उस वजह से I have a great interest in SST and wanted to go in government services that way. So, मुझे उसमें interest है, right? So, what are we doing now? What are we talking about? We are talking about our interests. So, यहाँ पे तीन चीजें आती हैं. एक आपको किस चीज से प्यार है? What do you really love to do? Your interest, your likes, dislikes. Second, what you are good at. जैसे अभी शौर्य ने कहा कि what he is good at. That's the second part which comes in. And third part which comes in is which career would give me the amount of money which I want for my lifestyle. Right? So these are the three things which you have to really look forward to. Yeah, thank you so much. Very powerfully taken. So now next, before we end the show, एवरीबडी विल शेयर देयर आप अपना व्यू पॉइंट शेयर करोगे हर व्यक्ति में एक स्ट्रेंथ है और वीकनेस होती है राइट सो व्हाट हाउ आई वांट टू एंड टुडे शो इज देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग द वीकनेस वीकनेस को एक्सेप्ट करना है
और हमें फोकस किस पे करना है, हमारे स्ट्रेंथ पे करना है, राइट उससे हमारी जो वीकनेस है वो ऑटोमेटिकली इट विल बी द क्रिपिंग वुड लूज इन और इट विल गो ऑफ ऑल्सो एट टाइम्स और इवन इफ इट इज देयर सो इट्स ओके राइट सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट डू यू फील अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर गुड एट जिसको देख के हम करियर सोचें आपके अंदर ऐसा कौन सा आपकी एक चीज है जो आपको बहुत पसंद है कि मैं ऐसा हूं so everybody will share one good point so that we will acknowledge each other before we end the show so starting from Kritika then Priyam then Chirag then Shaurya as I yes please I have a leading power and I have a great interest in subject also so that ma'am before telling my strength I want to ask Sumit sir a question like money is not the only thing on which people are running there is one thing which is mental satisfaction so like you didn't talk about it yeah so when we talk about our likes dislikes it also comes as ki mujhe mere life ka purpose kya hai what do I really want to contribute to the world ki main duniya ko kya dena chahta hu apne career se so we talk about our purpose our aspirations and our dreams PAD ye teen cheez the pad of what we really love to do or how we would love to contribute so this is one circle second circle is my skills and my strengths and the third circle is about the money part of it and I want to tell you Sumit ji Priyam has done a 2 hours ikigai session with me he really was interested in discovering himself and like it was amazing that is why I got so inspired from him so what do you love about yourself Priyam aapko apne bare mein kis cheez kya So I like that I am very very determined about things. Chirag Yes Chirag mein kya bahut acha hai kya aapko apne bare mein confidence to speak Yeah. Shaurya, आपको अपने बारे में क्या बहुत पसंद है ओके चिराग यस चिराग यू वर सेइंग समथिंग प्लीज फिनिश इट नो नो नॉट दिस बस ओनली दिस मच ओके थैंक यू चिराग सो शौर्य व्हाट डू यू लव अबाउट योर सेल्फ आपको क्या पसंद है शौर्य के बारे में आई एम अ नाइस फुटबॉल प्लेयर in school okay very good this is your talent tumhe apne bare mein ye bahut proud feel hota hai very good I think that I am a good actor and my mother and father are also saying that perfect so Sumit ji just something to really and powerfully with these children because I can relate their strengths also with the career which they are sharing so they are really going in the right direction find your SWOT strengths weakness opportunity and threats like Chirag said mere mummy papa dono lawyer hain so he has an opportunity that his family is full of lawyers so that is an additional thing which he would have if he wants to become a lawyer Now, should he become a lawyer or not would depend upon his personality type, would also depend upon his what he really wants to do in life, etc., etc., how he wants to contribute, and finally would also depend upon what his skills are, right? जैसे हम जो सीख से आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं. So for all of us here, whenever we decide about the career, don't just take up career because of what I like to do, because that is only one aspect out of three, like. Nahid said very wonderfully ikigai as a concept where you look at 3-4 various circles and you find that interface
where everything intersects and that's your dream career. And this requires a lot of internal exploration. मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने बारे में जानना और करियर्स के बारे में जानना. So जितने करियर conversations आप attend कर सके, जितने लोगों से आप बात कर सके, उनसे उनके बारे में जाने और अपने बारे में जाने और उसको मैच करें. वो मैच जहां पे परफेक्ट होगा वो आपका करियर होगा. और ट्राई सो एवरीवन, डिड यू एंजॉय टुडे पार्टिसिपेटिंग, हैविंग दिस डायलॉग? इट वाज अ शॉर्ट डायलॉग ऑफ कोर्स, बट बिलीव मी, यस मैम, यू ऑल डिड वंडरफुली. आई लव्ड योर आंसर्स एंड आई लव्ड द ऑनेस्टी which you have done in this conversation. So believe me, I learned so much from you. Sumit ji learned so much from you. And this is something wonderful which you did today. I am feeling so proud of you all. God bless you all. Thank you so much. I would be inviting you in the future sessions. So stay in touch. Thank you. Thank you, Sumit ji. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.